नाले साढ़े घर बच्चे दिते छोटे छोटे ते नाले अगों सानू अखां कड़नी। अस्तगफिरुल्लाह, ये देखे ये देखे, नीचे ना इसने चार बच्चे दिए हुए हैं, मुझे तो लगता है डर। ये देखिए मानो कैटो, देखिए माशाल्लाह दवा मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही सीधा ना। देखिए ये देखिए ये देखिए, एनके पकड़ी हुई है, मुंह पे लगाए एनक, मुंह पे लगाओ नैना, आप भी लगाओ नैना, आप भी लगाओ। कहाँ पे लगाते तो मैंने कब कहा है आपको मुंह पे लगाओ? देखे बच्चों का जवाब, कहते हैं ऐनक मुंह पे लगा, आंख पे लगाते हैं, मुंह पे थोड़ी लगाते हैं। तो ऐनक सीधी लगाते हैं, उल्टी थोड़ी लगाते हैं। आपने ऐनक उल्टी लगाई हुई है, इब्राहिम ने सीधी लगाई, वो देखें अभी भी आपकी उल्टी है। बातें बड़ी बड़ी करते हो, क्या पहना हुआ? इधर आ, इधर आ, दिखाई वो, इधर तो करो, हाला अंदर चले जाएगा, दिखा मेरे, मुझे दिखा जरा वीडियो में दिखा। ये देखे जरा इसके कान चेक करें, गुदगुदी होती है, ये वाला कान दिखा, तेरा बेड़ा तर्जे ठहर ठहर। ये देखो इसके कान चेक करें, हाय हाय, ये देखे ये टसल है ते कान के अंदर चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इतनी ज़्यादा धूप है ना बाहर, तो मेरे हस्बैंड घर आ गए तो कहते चले अम्मी को मिल के आते हैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट कपड़े पहने और निकले बाहर। तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा इतनी ज़्यादा धूप है। तो कहते सड़कों पर ना अभी भी ये 14 अगस्त के पूरी चीज़ें देखें लगी हुई हैं। मुझे कहते हैं मैं आपको एक बाजा ले देता हूँ, तो आ 14 अगस्त मनाने निकले, मैंने कहा ठीक है ठीक है, लै दो। ऐ जी गिरजा चौक है और देखें अभी भी सारी सड़कें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं अभी तारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और 14 अगस्त को मैं बाहर नहीं गई थी तो मैं आज देख रही थी, बड़े मज़े की लग रहा था। तो मैं बार बार यही कह रही थी धूप बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। तो बेचारे ये आदमी लोग भी रस्ते में काम कर रहे थे, मैं आवाज़ इसलिए भर रही हूँ क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा, जब बाइक पे जा रहे हो ना तो शोर बहुत ज़्यादा था। ये देखिए अभी भी ना कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये मेरी अम्मी के घर ना बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं, चार बच्चे उसने दिए हैं। तो जब हम देखने गए तो हमारे आगे गले पड़े और ज़ोर ज़ोर से बोले, तो मुझे इससे बड़ा डर लगे, मुंह खोल के इतना सारा मुंह खोल के ऐसा जैसे मुर्गी नहीं आती अपने अंडे अंडों पे बिठाई हो तो मुर्गी गले पड़ती, इस तरह बिल्ली भी पड़ती है। मैंने दूर बैठ के कैमरे से जूम करके वीडियो बनाई, मैं नहीं इसके पास गई, इसके लिए स्पेशल पंखा लगा हुआ है। पता नहीं ये बाहर की बिल्ली है तो कहते हैं हमारे घर बच्चे दे दिए। मैं आ गई हूं, 15-20 मिनट हो गए हैं, 5:30 का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी इसलिए आई थी खाना बनाने, बनाना था आगे, खाना बना के जाती हूं, आज खाना नहीं बनाया था। मोई चोरी देखो जरा अंदर लाइट जला के, बेटी अस्सलाम वालेकुम, ये क्या हाल चाल है भाई? दादा दे रहे जी, हम भी बिल्कुल ठीक है, लबा का शूट है, लाइट जला। तेन कोई काम शाम नहीं है? चलो तानू जुतियां दा काटे ने हैं, जब मैं गई से उधर पक्का बंद करके बैठा, आज दिन टीवी आवाज काट आंदी है। मैंने अपनी बेटी को फोन कर दिया था, अभी मैं ना मेरे आने से पहले आधा घंटा पहले मैंने फोन कर दिया था, चने की दाल मैंने पैकेट बनाए होते हैं, चने की दाल भिगो देना, आज चने की दाल बनाएंगे क्योंकि इसलिए दाल भिगोई, ये माशाल्लाह अच्छी तरह भीग गई है, इसको प्रेशर में नहीं पकाएंगे, मैं देश में पकाऊंगी। दाल मैंने रख दी ऊपर, ये देखें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के रख देती हूँ, इसको बॉइल करना है मैंने। आज मैंने सोचा खड़ी खड़ी दाल ना सिर्फ बॉयल करके अभी इसको अच्छा तड़का लगा के बनाती हूँ, उसके साथ रोटी खाएंगे। दाल में थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा ना घी डाल दूंगी क्योंकि ये बॉयल होके बाहर बना लेंगे। मुझे ये बता देना जब मैं मसाला बनाऊंगी, मामा जी आपने दाल में नमक डाला था। आजकल वैसे भी मेरे सालन में ना नमक तेज हो जाता है तो मेरा ही बीपी हाई हो जाता है। दाल बॉइल हो गई है माशाल्लाह, अब मैंने रख दिया ऊपर मसाला, जल्दी जल्दी मसाला बना लेते हैं, तो दाल को लगा लेते हैं तड़का। प्याज ब्राउन हो जाता है, प्याज
क्योंकि इसमें घी ज्यादा हो ना तो फिर ही मजा आता है। मसाले डाल लिए, टमाटर मिर्चें काट ली है, अदरक लहसुन की पेस्ट पास रख ली है, कहीं याद ना भूल। इसमें ये देखिए मैंने घी कितना सारा डाला है, इसलिए डाला है इसका तड़का अच्छा लगेगा। खाना ये गेम के लिए रोज बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि गर्मी बहुत है। शिफा इसको अंदर रखो गिर जाएगा। कल के कितने ग्लास टूटे हैं? एक दो से टूटा, एक मेरे से टूटा, दो ग्लास टूटे। मसाला माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा बन गया। अब इसमें बस मैं दाल डालने लगी हूँ, प्याज काट रही हूँ क्योंकि सैलड के लिए। टमाटर खीरे काट लिए, साथ मैंने कहा थोड़ी सी ना दाल के साथ सलाद बहुत अच्छी लगती है। दाल देखिए माशाल्लाह, दाल देख लें जी माशाल्लाह। अभी इसको 5 मिनट के लिए दम लगा दूंगी, काली मिर्च गरम मसाला एंड पे डाल दूंगी। इसके बगैर मेरा ना सालन अधूरा होता है। प्याज को मैं नमक लगा रही हूँ, नमक लगा के रखती हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, धो लेंगे। एक लेमन रखूंगी सलाद में, जिसने दाल के ऊपर निचोड़ना हो दाल के ऊपर निचोड़ ले, जिसने सलाद के ऊपर निचोड़ना है वो सलाद पे निचोड़ ले, क्योंकि दाल के साथ सलाद लाजमी होती है वो। चले जी वीडियो आज की, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, इतना तो हक है ना हमारा। तो दाल माशाल्लाह देख लें, देख के मुंह में पानी आ रहा है, दम लगा देते हैं, धनिया डाल लेंगे एंड पे, तो माशाल्लाह दाल तैयार है। जिस जिसने खानी वो मेरे घर आ सकते हैं। देखे माशाल्लाह दाल, मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही सीधा ना, सिंपल रेसिपी, कुछ नहीं बताया मैंने इसमें डाला। अगर आप लोग गोश्त का इसमें टेस्ट लेना चाहते हैं तो एक दो चिकन क्यूब्स डाल दें, मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद। सही बोलूँगी, सच बोलूँगी, ये है जी माशाल्लाह दाल। हालत देखें सीना, पसीने से कैसे मैं भरी हुई हूँ। अब करेंगे चूल्हा बंद और नहाने चली जाऊँगी, पहले नहाऊँगी फिर खाना खाऊँगी। अभी सच रोटियाँ बनानी है, रोटियाँ बना लूँ। फ्रिज में रख लूँ चीज़ें। पसीना इतना आया हुआ है, ये देखें पसीना मुझे देखें ज़रा। तो अब ये सलाद भी फ्रिज में रख देती हूँ, प्याज थोड़ी देर बाद नमक लगाया मैं धो के रख लूँगी। तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मैं रोटियां बना के फिर नहाने जाऊँगी क्योंकि टाइम हो गया 7-8 का, मैंने टाइम देखा नहीं 7 का 8 का, क्योंकि 5:30-6 बजे मैं घर आई थी, तो और जब आई थी तब गैस नहीं आ गई, तो फिर मैंने आधा घंटा आराम किया और खाना बना लिया। जल्दी जल्दी दाल बन गई माशाल्लाह, जल्दी जल्दी बर्तन भी धोने वाले हैं, बर्तन धोने हैं। कैमरा बंद करके सारा कुछ कर लूँगी।